मैं शिमला का रिज हूँ, हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत राजधानी का वह खुला भाग जो जाखू पहाड़ की तलहटी में प्रदेश की पहचान का प्रतीक है। हमारा प्यारा हिमाचल 48वां पूर्ण राजत्व दिवस मना रहा है। इस शुभ अवसर पर आपको हार्दिक बधाई। मुझे आज भी याद है 47 साल पहले 25 जनवरी 1971 की वह सर्द सुबह जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मेरे ही दामन से हिमाचल को भारत के 18वें राज्य का दर्जा दिया था। परियों के पंखों जैसे आसमान से झड़ते बर्फ के सफेद फाहों के बीच उन्होंने हमारे प्रदेश को पूर्ण राज्य घोषित किया तो मौके पर मौजूद हर हिमाचली की आंख गर्व और खुशी से नम थी। इस मौके पर तकरीर करती इंदिरा गांधी की तस्वीर शायद आपने भी देखी होगी। ये महज एक चित्र नहीं, हिमाचली इतिहास का अमिट हस्ताक्षर है। खैर, इससे भी पुरानी यादें और भी हैं। वर्ष 1819 में जब अंग्रेज पहली बार शिमला पहुंचे तो मुझे देखकर वे कैसे हैरान हुए थे मैं भूल नहीं सकता। यहां पहला घर बनाने वाले चार्ल्स कैनेडी मेरे एक छोर से दूसरे छोर तक चलकर वे सुकून पाते थे कि मत पूछिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक का भी मैं दुलारा रहा। वक्त बदला और 19वीं सदी के अंत में शिमला शहर में तब्दील होने लगा। देश दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां और आम लोग शिमला आने लगे। खुशी होती थी जब वे पहुंचते ही मेरा पता पूछते थे। लोगों का यह कौतूहल आज भी कायम है जो मुझे कभी बूढ़ा नहीं होने देता। बावजूद इसके कि मेरी छाती के नीचे जमीन के भीतर 10 लाख लीटर पानी स्टोर होता है, यही पानी रोज शिमला की प्यास बुझाता है। मैं रिज ही हूं जहां से भारत के कई प्रधानमंत्री हिमाचल को सराह चुके हैं, जहां हिमाचल की सरकार शपथ लेती है और जहां आए रोज किसी फिल्म या सीरियल की शूटिंग होती है। सुनाने के लिए किस्से हजार हैं, पर वक्त की पाबंदी भी तो जरूरी है ना। बहरहाल, कभी शिमला आए तो अपने प्यारे रिज को मत भूलिएगा। अंत में आपको एक बार फिर पूर्ण राजत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से सुनील शर्मा की विशेष रिपोर्ट।